आज हम लोग बहुत थैंकफुल हैं जीसीएम नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से कि शायद भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल जीसीएम स्टाफ साइड को इनवाइट किया बात करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो जो 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण हैं। उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और उन्होंने जो हमारे 2004 के बाद पूरे केंद्र सरकार में, मैं तो कहूँगा राज्य सरकारों पर भी उसका बाद में असर आएगा, तो उनके जो कर्मचारी हैं वो जो 2004 के बाद स्पेकुलेशन या मार्केट के ऊपर छोड़ दिए गए थे, उनके लिए उन्होंने जो है वो एक एश्योर्ड पेंशन सिस्टम की बात की है और आने वाले समय में जो भी रिटायर होगा या जो रिटायर हो चुके भी हैं उनको अपने वेतन जो मिल रहा होगा उसका 50% जो है वो तनख्वाह का मिलेगा और उसके ऊपर भी डीएनएस राहत मिलने का काम होगा। हमें जैसा बताया गया है कि हमारे जो फैमिली पेंशन है वो भी जो है वो 60% उस पर डीएनएस राहत देने की बात की गई है। मिनिमम पेंशन भी 10,000 रुपये करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखते हैं तो ये जो हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने आज हमारे नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया, बातचीत की। उन्होंने ये भी कहने का काम किया कि आने वाले समय में भी जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी सरकार जो है वो अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगी।